बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि बुलंदशहर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो भोला सिंह को 60% लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज से जिताया था। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ पे आप महिलाएं भी देख सकते हैं, पुरुष भी देख सकते हैं, वोट डाल के आए हैं आप लोग, क्या क्या आप लोग के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पर आप लोगों ने वोट दिया है? सबसे पहले विकास, बच्चों की पढ़ाई, और जो लेडीजों का रेप होता है, चैनें खिंचती हैं, इस मुद्दे पे वोट दिया है मैंने। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बुलंदशहर में काफी महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ा है। जी, हम चाहते हैं कि हर चीज का विकास हो, अपनी ऐसी सरकार आए जो हमारा विकास हो, बस सरकार ऐसी आए जो विकास करे। कुछ युवा भी हमारे साथ में, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? सबसे पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, जो अभी की सरकार है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सही चल रही है और हम इसी सरकार के साथ हैं। किन मुद्दे पर? राष्ट्रवाद पहले भी था, आज भी है। ये नहीं है कि बीजेपी के आने से ही राष्ट्रवाद बनेगा। यहाँ विकास का मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का मुद्दा। आपका मुद्दा क्या है, आपने किस आधार? हमें शिक्षा के मुद्दे पर दिया है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ। शिक्षा का मुद्दा है यहाँ पे। आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 17,60,000 से ज्यादा यहाँ पर वोटर है जो कि बड़ी संख्या में निकल करके वोट कास्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा है जिनको पेमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है।